दोस्तों, यहाँ पर आपके सभी के मन में एक सवाल यहाँ पर आ रहा होगा कि जियो का IUC पैक जो है, क्या ये सभी कस्टमर्स को कराना पड़ेगा? यानी कि जो लोग जो है अपना रिचार्ज करवा चुके हैं दोस्तों, क्या उनको भी ये पैक यहाँ पर रिचार्ज कराना पड़ेगा? तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर आप दोस्तों IUC के बारे में नहीं जानते हो, तो दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूं कि ये जियो जो IUC पैक जो है, ये सभी कस्टमर्स को यहाँ पर नहीं कराना है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यानी कि जो कस्टमर्स दोस्तों यहाँ पर रिचार्ज पहले से करा चुके हैं, यानी कि जिन्होंने जो है 10 अक्टूबर से पहले ही रिचार्ज यहाँ पर करा लिया है, और उनकी वैलिडिटी जो है काफ़ी दिनों तक यहाँ पर चलने वाली है, दोस्तों ये जो रूल है दोस्तों उनके लिए यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जिन्होंने रिचार्ज करा लिया, से मैंने ही यहाँ पर जियो का रिचार्ज 399 रुपये वाला करा रखा है। इसकी वैलिडिटी दोस्तों अगले 1 महीने के बाद में ख़त्म होने वाली है, यानी कि 9 नवंबर में इसकी वैलिडिटी यहाँ पर खत्म होगी दोस्तों। तो यानी कि मुझे जो है कोई भी यहाँ पर रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, और इससे मेरी कॉलिंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी जो कॉलिंग मुझे फ्री मिल रही है, वो मुझे जब तक इसकी वैलिडिटी इस पैक की है, तब तक मुझे मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर हम सरल भाषा में कहे तो यहाँ पर जियो IUC पैक का रिचार्ज केवल उन्हीं कस्टमर्स को कराना है जो 10 अक्टूबर के बाद से रिचार्ज करेंगे, यानी कि जो 10 अक्टूबर से पहले रिचार्ज अपना करवा चुके हैं, उनको कोई भी रिचार्ज कराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। उनका वही पैक यहाँ पर काम करता रहेगा जब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो कम से कम दोस्तों यहाँ पर जियो ने ये तो एक अच्छी बात यहाँ पर की है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि जो कस्टमर्स दोस्तों 10 अक्टूबर के बाद में रिचार्ज कराने वाले हैं, तो उनको यहाँ पर IUC पैक के साथ में यहाँ पर रिचार्ज कराना कैसे है? तो जैसे कि यहाँ पर आप 399 रुपये वाला रिचार्ज कराते हैं, तो यहाँ पर आप जो है किस कोई भी IUC पैक ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये। तो यहाँ पर ये सारे IUC पैक है, तो आप किसी को भी IUC पैक ले सकते हैं। तो यानी कि वो पैसा जो है यहाँ पर आपका ऐड कर दिया जाएगा। जैसे आप 399 रुपये वाला पैक लेते हैं, साथ में 10 रुपये यहाँ पर मिला के, यानी आपके 409 रुपये यहाँ पर हो जाते, तो आपको 409 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है 10 रुपये का IUC पैक ऐड हो जाता है। तो ऐसे ही आप अगर कोई भी रिचार्ज कराते हैं, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से IUC पैक को आप चुन लीजिए, और साथ में आपको उसको वहाँ पर आपको जो पैक कराते हैं, तो उसको उसमें आपको जो है ऐड कर देना है, फिर उतना अमाउंट आपको पे करना है। तो ऐसे आप IUC पैक का यहाँ पर रिचार्ज करा पाएंगे। तो दोस्तों बस ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को कर दीजिए शेयर, और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।